हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। सबसे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 11th का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। फिर हम आगे का देखेंगे कि कल को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। पहला है 18,000, जिसपे मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो जो 18,000 का जो लेवल रहेगा, ये अभी भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा इसे, तो एक मजबूत सपोर्ट नजर आएगा। अब जो हमें दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, वो आप देखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे 18,100 का जो जोन रहेगा, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई देगा। इस पे आपको इन दोनों लेवल्स पे बारीकी से नजर रखनी है। यहाँ पे हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें मार्केट में आज और भी काफी चीजें नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक रेंज भी मार्केट में नजर आ रही है। अगर आप ऊपरले वाली ट्रेंड लाइन को देखेंगे, जो कि हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इस एरिया में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। वहीं अगर आप निचले वाली लाइन को देखेंगे, ये हमें सपोर्ट के बारे में बता रही है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस जोन में भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जो मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं, उन चारों पैटर्न्स में से हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, यानी कि दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ है, जहां पे एक रेजिस्टेंस है एक सपोर्ट है। एक तो इसके हमें दो बेनिफिट है। पहला जो बेनिफिट है, हमें मार्केट की रेंज पता है। अगर मार्केट इसी रेंज में चलता रहा तो कहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा, कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस करेगा, इससे हमें आसानी होगी अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। पहली चीज हमें यह पता चल रही है। दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा हमें, वो मिलेगा जितना ही नैरो होता जाएगा, उतने ही इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मिला तो वो मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ब्रेकडाउन मिला तो वो मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसके साथ हम इसमें प्राइस एक्शन डालेंगे, पैवेट पॉइंट डालेंगे, ऑप्शन चेन डालेंगे और तब मिला के हम किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट सपोर्ट देख लेते हैं जो हमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, वो आ रहा है 18,000 पे। इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया है। ये 18,000 आज काफी इंपोर्टेंट लेवल रहा है। सिर्फ आज के दिन ही अगर आप कल भी जाएंगे, यानी कि 10 जनवरी को भी जाएंगे, तो यहीं पे ही आपको इसी जोन में मार्केट की क्लोजिंग दिखाई देगी। इसका हल्का सा मार्केट ब्रेकआउट आपको देता हुआ नजर आएगा 10 जनवरी को भी। तो यहां पे भी ये लेवल काफी इंपोर्टेंट रहा है। वहीं बात करें दूसरे लेवल की, जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यह 17,900। ये इससे भी ज्यादा मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। क्यों? आप 10th को देखो, 10 जनवरी को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया था। अब 7th जनवरी को देखो, मार्केट में जब आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, इसी जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको यहीं से ही गिरावट दिखाई थी। अब 5th जनवरी पे चले जाओ, मार्केट ने इसी पर्टिकुलर रेंज में मार्केट साइडवेज हो गया था। इस लेवल की मार्केट ने काफी रेस्पेक्ट की थी एज ए रेजिस्टेंस भी, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट दे दिया था एज ए सपोर्ट भी, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया था। तो यहां तक क्लियर होगा आपको, ये सारी चीजें नजर आ रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे, ये है 18,016। वहीं ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, ये है 18,080, जो कि आप देखेंगे 11th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर के और नीचे के क्या लेवल होंगे, ये हम देखते हैं पैवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये है 18,106। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको स्क्रीनशॉट के साथ वेबसाइट पे भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप वेबसाइट पे विजिट करके इन सारी चीजों के स्क्रीनशॉट वहां से देख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं।
चलो अब हम यहां पे देखेंगे जो हमें सेकेंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 18,191। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 18,280। वहीं पे बात करेगा निफ्टी 50 ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,965। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,916। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टर की सलाह लें, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,827, ये चीजें आपको ध्यान पे रख के चलनी है। अब हम सीधा चलते हैं ऑप्शन चैन पे। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 13 जनवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,100 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 39.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,200 पे 41.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 18,000 जो कि आपको बताया गया है एक मजबूत सपोर्ट रहने वाला है, जहां पे आप देखेंगे 40.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 17,900 जहां पे 43.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये दोनों लेवल आपके साथ आज बहुत बार डिस्कस किए गए हैं, इन दोनों पे आपको बहुत ही खास नजर रखनी है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।